तो गाइस इंस्टाग्राम पे मुझे कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि सर मार्केट में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इसमें क्रिएटीन और अल्फा लिपोइक एसिड दोनों एक ही बॉक्स में मिला हुआ आता है, तो प्लीज़ आप उस सप्लीमेंट का रिव्यू कर दें। मुझे इस सप्लीमेंट के बारे में पता नहीं था क्योंकि मैं अपने चैनल पे आजकल सप्लीमेंट के रिव्यूज़ काफ़ी कम कर दिया हूँ, बाकी के न्यूट्रिशनल रिसर्च बेस्ड वीडियोस में आजकल ज़्यादा डालता हूँ, इसीलिए सप्लीमेंट इतने एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा हूँ। एनीवेज़ तो मैंने ये प्रोडक्ट जो है मंगवाया, और ये प्रोडक्ट आते ही मैंने अपने लैब में बात की कि भाई मुझे इस प्रोडक्ट की टेस्टिंग करवानी है, मुझे बेसिकली इसमें जानना है कि इसमें कितना क्रिएटिन है, उस चीज़ की मुझे टेस्ट करवाना है। तो मेरे लैब वालों ने कहा कि सर क्रिएटिन की टेस्टिंग हम लोग नहीं करते हैं। उसके बाद मैंने बाकी लैब्स में भी पूछा, पर अनफॉर्चुनेटली कोई भी लैब मुझे ऐसी नहीं मिली जो क्रिएटिन की लैब टेस्टिंग करती हो, इसलिए आई एम सॉरी मैं आप लोगों को इस प्रोडक्ट की लैब टेस्ट रिपोर्ट नहीं दिखा सकता। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो आप मेरे स्क्रीन पे भी देख सकते होंगे, इसमें बेसिकली तीन चीज़ है, तीन मेन चीज़ है जिससे आपको मतलब रखना है। एक तो है क्रिएटीन मोनोहाइड्रेट, एक है कैल्शियम HMB और तीसरा है अल्फा लिपोइक एसिड। अभी देखिए जो HMB है उसके फेवर में मैं इतना नहीं हूँ क्योंकि HMB के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं। HMB एक्चुअल में थोड़ा बहुत हेल्पफुल पाया गया है बिगिनर्स के लिए, पर इंटरमीडिएट और एडवांस्ड लिफ्टर्स के लिए HMB का इतना कोई खास रिजल्ट नहीं देखा गया है। और मैं हमेशा उस सप्लीमेंट के ज़्यादा फेवर में रहता हूँ जो बिगिनर्स, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड तीनों को हेल्प करे, इसलिए HMB के मैं इतने फेवर में नहीं हूँ। हम आज मेनली फोकस करेंगे क्रिएटीन और अल्फा लिपोइक एसिड के बारे में। तो क्रिएटीन के ऊपर ही मैं काफ़ी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, क्रिएटीन कैसे काम करता है वो आपको एक्सप्लेन किया हूँ, क्रिएटीन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं वो भी एक्सप्लेन किया हूँ, और साथ ही साथ एक तीसरा वीडियो भी बनाया था जिसमें आप लोगों को बताया था कि क्रिएटीन आपने तब भी लेना चाहिए चाहे आप फैट लॉस पे हो या मसल गेन पे हो, ये आपको दोनों ही गोल्स में हेल्प करता है, इतना ज़्यादा इफेक्टिव और इतना ज़्यादा अच्छा सप्लीमेंट है ये। पर उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग जो है क्रिएटीन से डरते हैं, और इस डर का रीज़न है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि क्रिएटीन लेने से उनकी किडनी डैमेज हो जाएगी। देखिए गाइस, ये जो क्रिएटीन और किडनी डैमेज का मिथ है ये ईयर 1988 में चालू हुआ था और ये मीडिया ने फैलाया था। एक्चुअल में क्या हुआ था, 1988 में एक 25 साल का आदमी था जिसे पहले से ही किडनी प्रॉब्लम थी, पर मीडिया वालों ने ऐसा बोल दिया कि उस 25 साल के आदमी के लिए क्रिएटीन, मतलब उस 25 साल के आदमी की किडनी के लिए क्रिएटीन बहुत ही डेंजरस है। और ये जो न्यूज़ है ये फ्रेंच न्यूज़पेपर वालों ने और कुछ यूरोपियन न्यूज़पेपर वालों ने इस तरह से फैला दी कि वो मिथ आज तक एग्जिस्ट करता है। बट गायस, कोई भी साइंटिफिक एविडेंस ये प्रूव नहीं करता कि किसी भी हेल्दी एडल्ट में क्रिएटीन एक्चुअली डेंजरस है किडनी के लिए। अगर आप चाहें तो मैंने इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का एक बहुत बड़ा जर्नल शेयर किया है जिसमें उन्होंने रिसर्च बेस्ड फैक्ट बताया है कि कैसे क्रिएटीन आपके बॉडी में क्रिएटीन फॉस्फो स्टोर को बढ़ाता है जिसकी मदद से आप ज़्यादा ATP प्रोड्यूस कर पाते हैं और आपकी एक्सरसाइज परफॉर्मेंस बढ़ती है। साथ ही साथ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन ने इसमें यह भी बताया है कि क्रिएटीन और किडनी डैमेज का मिथ कैसे फैलाया गया था मीडिया द्वारा। तो अगर आप लोगों को पढ़ने का शौक है तो वो जर्नल जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जाके इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। अगर आपके मन में क्रिएटीन को लेकर कोई भी डर है तो प्लीज़ वो जर्नल आप जरूर पढ़ें, उसके इमीडिएटली बाद आप क्रिएटीन लेना चालू कर देंगे। तो गाइज, ये तो बात हो गई क्रिएटीन के बारे में। अच्छा, बहुत लोगों को ये तो पता है कि चलो क्रिएटीन एक अच्छा सप्लीमेंट है, एक सेफ सप्लीमेंट है, हमें क्रिएटीन लेना चाहिए, पर लोगों को एक चीज़ नहीं पता है कि क्रिएटीन आप लेते हैं तो उसे बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए आपको इंसुलिन स्पाइक कराना पड़ता है। अभी इंसुलिन स्पाइक आप कैसे करा सकते हैं, आप डेक्सट्रोज या ग्लूकोज ले सकते हैं क्रिएटीन के साथ, या कोई और भी शुगरी ड्रिंक ले सकते हैं अपने क्रिएटीन के साथ, पर ये जो प्रैक्टिस है ये बहुत ही अनहेल्दी है। और अगर कोई फैट लॉस पे हो तो वो तो शुगरी ड्रिंक एकदम भी नहीं लेगा। इसीलिए गाइस, मैं अपने पहले वीडियो में भी बोल चुका हूँ, मैं आज भी बोलता हूँ कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप क्रिएटीन के साथ अल्फा लिपोइक एसिड लें क्रिएटीन को एब्जॉर्ब करने के लिए। देखिए, अल्फा लिपोइक एसिड क्या करता है, ये आपके बॉडी में इंसुलिन मिमिक करता है, मतलब इंसुलिन स्पाइक नहीं करता पर इंसुलिन स्पाइक करने की मिमिक करता है, जिससे क्रिएटीन कन्फ्यूज हो जाता है और उसे लगता है कि हमारे बॉडी में इंसुलिन स्पाइक हुआ है और वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो 600 mg अल्फा लिपोइक एसिड आप अपने क्रिएटीन के साथ ले सकते हैं, वो आपको क्रिएटीन एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा।
हम बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट के न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में भी। तो देखिए, इसमें क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट आपको 3 ग्राम मिलेगा। इनकी जो सर्विंग साइज़ है वो 3 स्कूप है। एक चीज़ मुझे बहुत फनी लगी, इन्होंने लिखा तो है कि इनकी सर्विंग साइज़ 3 स्कूप की है, पर 3 स्कूप की क्वांटिटी कितनी है, मतलब 3 स्कूप अगर हम लेंगे तो उसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है वो भी लिखना चाहिए, जो इन्होंने नहीं लिखा है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम इस 100 ग्राम्स के बॉक्स को नंबर ऑफ सर्विंग्स यानी कि 17 से डिवाइड कर देते हैं, तो आपकी 3 स्कूप का जो टोटल आता है वो आता है 5.88 ग्राम्स। तो कंपनी यहाँ पे 5.88 ग्राम्स में आपको 3 ग्राम्स क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट दे रही है। अच्छा, क्रिएटिन कौन से फॉर्म में लेना है वो भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट सबसे सस्ता, सबसे पुराना, सबसे इफेक्टिव, सबसे सेफेस्ट फॉर्म है। तो प्लीज़ आप और किसी क्रिएटिन के फॉर्म पे पैसा ना खर्च करें। आप या फिर माइक्रोनाइज क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ले सकते हैं या फिर क्रेप्योर ले सकते हैं। तो इनकी 3 स्कूप जो कि 1 सर्विंग साइज़ होती है, उसमें आपको 3 ग्राम क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट मिल जाएगा और 500 mg अल्फा लिपोइक एसिड मिलेगा। अच्छा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर क्रिएटिन को आपको एब्जॉर्ब करना है अपनी बॉडी में तो 600 mg अल्फा लिपोइक एसिड आप ज़रूर लें, इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसकी 3 स्कूप की बजाय 4 स्कूप लें। अगर आप इसकी 4 स्कूप लेंगे तो उसका टोटल क्वांटिटी हो जाएगा 7.84 ग्राम्स, जिसमें आपको क्रिएटिन 3 ग्राम की जगह 4 ग्राम मिलेगा और अल्फा लिपोइक एसिड लगभग 650 mg मिलेगा। तो इस तरह से आप अल्फा लिपोइक एसिड की डोज भी पूरी कर सकते हैं और क्रिएटिन 4 ग्राम एक दिन में सफिशेंट है। बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो देखिए, ये 100 ग्राम यानी 100 ग्राम्स का बॉक्स आपको जाता है 999 रुपीज़ का अमेज़ॉन पे। अगर आप इसकी 4 स्कूप एक साथ लेते हैं जैसा मैं रिकमेंड करता हूँ, तो आपको इस बॉक्स में टोटल मिलेंगे 13 सर्विंग्स और पर सर्विंग का कॉस्ट आपको जाएगा 77 रुपीज़। तो गाइज, ये था मेरा रिव्यू इस प्रोडक्ट के बारे में। अगर आपको अलग से क्रिएटिन लेना है, किसी और ब्रांड का क्रिएटिन लेना है और किसी और ब्रांड का अल्फा लिपोइक एसिड सेपरेट लेके कंज्यूम करना है तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि किसी एक प्रोडक्ट में क्रिएटिन और अल्फा लिपोइक एसिड दोनों हो तो आप ये भी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ गाइज, आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। और जिस भी जर्नल की मैं बात किया हूँ वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में गाइज। टिल देन बी हेल्दी, टेक केयर एंड जय।